डीसी टैको जनरेटर की सहायता से मैं आपको डीसी वोल्टेज स्पीड की सहायता से स्पीड को घटा करके बढ़ा के बनाऊंगा और इस वोल्टेज की सहायता से डीसी एलईडी बल्ब को जला के दिखाऊंगा। ये डीसी मोटर है, डीसी टैको जनरेटर है। मोटर की सहायता से हम डीसी टैको जनरेटर के आर्मेचर घुमाएंगे जिससे हमें डीसी वोल्टेज मिलेगा और इस डीसी वोल्टेज को हम यहाँ मल्टीमीटर की सहायता से नापेंगे भी और यहाँ एलईडी की सहायता से इसको देखेंगे भी। सबसे पहले ये पैनल लगा है, पैनल में हम एसी सप्लाई को ऑन कर लेंगे। एसी सप्लाई आ गई, अब इसको जब ऑन कर देंगे मेन स्विच को तो एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करेगा। अभी रेगुलेटर लगा है, रेगुलेटर की सहायता से हम डीसी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करेंगे। अभी स्पीड जीरो है, हल्का सा हम रेगुलेटर घुमाएंगे, ये हमारी डीसी मोटर रोटेट होने लगी जिससे हमें डीसी वोल्टेज मिलेगा टैको जनरेटर की सहायता से। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एलईडी बल्ब हमारा जलने लगा और जो वोल्टेज लगभग 3 वोल्ट के आसपास है। अब थोड़ा सा स्पीड और बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अब प्रॉपर वोल्टेज आने लगा। वोल्टेज कितना आ रहा है, लगभग 7-8 वोल्ट के आसपास आ रहा है और यहाँ पे स्पीड अब थोड़ा बढ़ गई।